हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज ये वीडियो में हम लोग क्राउड फंडिंग और पब्लिक फंडिंग, इमरजेंसी फंडिंग के बारे में बात करेंगे। जैसे मेडिकल इमरजेंसी हो गया, तो उस टाइप का इमरजेंसी केसेस में हमें कभी कभी फंडिंग का, पैसा का बहुत ज़रूरत होता है। तो वो ज़रूरत को पूरा करने के लिए अभी कुछ ऐप्स आ गए हैं, जैसे मिलाप हो गया, किट्टो हो गया, आपका इम्पैक्ट गुरु हो गया। तो इस टाइप का क्राउड फंडिंग से हम पैसा रेज कर सकते हैं। तो मैं अपना आप एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, जो कि हम 2 महीना पहले एक कलीग के लिए हम उनका मतलब कैंसर्स के लिए, कैंसर लीवर कैंसर हो गया था, तो उसके लिए पैसा रेज किए थे। तो वो एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगा, ताकि ये एक्सपीरियंस शेयर करने का यही रीज़न है कि आपका भी कोई नियर एंड डियर कभी इस टाइप का मेडिकल इमरजेंसी में आ जाए, क्योंकि हमारे पास हमेशा केस नहीं रहता है। और हम एक अच्छा हॉस्पिटल और कुछ बड़े बड़े डिजीज़ के लिए या कुछ इमरजेंसी के लिए तो फंडिंग का, पैसा का बहुत ज़रूरत होता है, जिसके लिए लोग अपना ज़मीन भी बेच देते हैं, सारे सेविंग भी विड्रॉ कर देते हैं, फिर भी कभी कभी कम हो जाता है। और इतना हाई कॉस्ट ट्रीटमेंट हो गया है, कोई भी आप बड़े हॉस्पिटल को चले जाओ तो आपको पैसा का बहुत प्रॉब्लम, मतलब अरेंज करना बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो इस टाइप का कोई आपके आसपास, सपोज आपका भी ज़रूरत ना हो, लेकिन आपका आसपास किसी भी, आपका घर के पास हो या आपका रिलेटिव्स हो, किसी को बहुत ज़रूरत है इस टाइप का फंडिंग, तो आप ये जो 3-4 आपका नाम मैं बोला स्टार्टिंग से, इसके थ्रू पे आप पैसा रेज कर सकते हो। एक हो गया मिलाप, इम्पैक्ट गुरु, किटो, ये 3 प्लेटफॉर्म का नाम मैं बोला। उसके बाद भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गया है। मैं स्पेशली मिलाप से, मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस जो मेरा है, मिलाप के थ्रू पे उठा, मतलब फंड रेज किए थे। और ऑलमोस्ट 24,000 हम लोग 4-5 दिन में रेज किए थे। लोग और भी ज़्यादा रेज करते हैं, तो उनको को कुछ भी एटलीस्ट थोड़ा सा हेल्प हो गया उनका मेडिकल इमरजेंसी के लिए। तो ये नॉट ओनली आप ऐसे कोई किसी के लिए पैसा फंड रेज कीजिए, आप ऐसे भी कर सकते हो। कभी कभी ये प्लेटफॉर्म जो होता है ऑथेंटिक होता है, तो कभी कभी चाहते हो तो डोनेट भी कर सकते हो। आपके पास एक्स्ट्रा सरप्लस है तो किसी का हेल्प भी हो जाएगा, डोनेट भी कर सकते हो, कभी कभी आप कर सकते हो इस टाइप का कुछ इमरजेंसीज पे। क्योंकि मिलाप कैसे काम करता है, मैं जो देखा, मिलाप आपसे भी कुछ चार्जेस लेता है जो हम पेमेंट करते हैं। सपोज 100 रुपीज़ पे करेंगे तो 110 या 108 इस टाइप का वो ले लेता है, ठीक है, वो टिप्स के हिसाब से ले लेता है। लेकिन आपको वो मिनिमम टिप्स नहीं दोगे तो पेमेंट नहीं होगा, तो इस टाइप का टिप्स लेता है। और जो विड्रॉ करने के टाइम पे भी वो कुछ चार्जेस काट के रखता है। जैसे हम वो जो जिनका डिजीज हुआ था उनको हम जब ट्रांसफ़र किए, तब भी वो कुछ विड्रॉल फ्रॉम फंड के हिसाब से मिलाप उसको ब्लॉक कर दिया, मतलब वो चार्जेस ले लिया। तो इस हिसाब से मिलाप मीडिएटर के हिसाब से काम कर रहा है और बोथ साइड से पैसा ले रहा है। भले वो लिखता है कि जीरो फंडिंग, जीरो प्लेटफॉर्म भी, लेकिन ये दोनों तरफ से पैसा लेके वो अपना प्लेटफॉर्म को मैनेज करता है और एडवर्टाइज जो भी वो उनका जो बिजनेस है वो उसमें करते हैं। लेकिन हमारे क्या प्रॉफिट है, हमारा ये प्रॉफिट है कि इमरजेंसी फंडिंग जो हम कभी कभी ज़रूरत हो जाता है, तो हम उसके थ्रू पे पैसा विड्रॉ, मतलब रेज कर सकते हैं और लोगों को हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आज एक छोटा सा वीडियो था, लेकिन आप अपना नियर एंड डियर और कोई भी जो जिसको ज़रूरत होगा तो इसके थ्रू पे ट्राई कर सकते हो और उसको शेयर कर सकते हो वो लिंक को सोशल प्लेटफॉर्म पे, तो आपको ज़रूर मदद मिलने का जो चांसेस रहता है बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बहुत लोग इससे पैसा विड्रॉ मतलब रेज करते हैं। और मेडिकल इमरजेंसी के लिए सबसे ज़्यादा इसमें रेज होता है, क्योंकि लोग इसके लिए भी डोनेट भी करते हैं, क्योंकि करना भी चाहिए, आपका सरप्लस मनी से थोड़ा सा डोनेट भी करना चाहिए, क्योंकि कोई मांग रहा मतलब उसका ज़रूरत डेफिनेटली ज़रूरत होगा। और हाई एक्सपेंसेस एक इंडिविजुअल को हमेशा, अचानक किसी का तबीयत ख़राब हो जाएगा और इस टाइप का पैसा मैनेज करना, हॉस्पिटलाइजेशन का जो कॉस्ट है उसको मैनेज करना बहुत दिक्कत हो जाता है। और ये भी मैं बोलूँगा कि हम लोग सब एक इंश्योरेंस करना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि अभी जो मेडिकल एक्सपेंसेस हो गया है ये रियली इट्स गेटिंग बिगर एंड बिगर,
राइट। तो कोई भी आप हॉस्पिटल में एडमिशन हो गए, बहुत चार्जेस आ जाता है। तो इसके लिए एक मेडिकल इंश्योरेंस भी हमारा जो प्लानिंग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं, उस एक पार्ट हमें मुझे जो लगता है हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भी हमें सोचना चाहिए, क्योंकि ये हमें बहुत बहुत हेल्प करता है फ्यूचर में। हमें ही लगता है कि नहीं हम बीमार नहीं होंगे, लेकिन अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, अचानक बीमार हो जाता है, और उसी केस में हमारे पास फाइनेंशियल मतलब उतना स्टेबिलिटी नहीं होगा, तो बहुत दिक्कत हो जाता है हॉस्पिटल कॉस्ट को बियर करना। तो ये एक छोटा सा वीडियो था कि कैसे हम पब्लिक फंडिंग या क्राउड फंडिंग रेज कर सकते हैं, ये आपके थ्रू पे इमरजेंसी फंडिंग, स्पेशली मेडिकल इमरजेंसी फंडिंग, ये आपके थ्रू पे आप दूसरा सोशल कॉज के लिए भी रेज कर सकते हैं। जैसे आपका ऑर्गेनाइजेशन है तो आप बना सकते हो, कुछ हॉस्पिटल के लिए भी पैसा रेज कर सकते हो, दूसरा काम के लिए भी पैसा रेज कर सकते हो। और भी क्राउड फंडिंग है, सपोज आपका सोशल प्लेटफॉर्म है, आपका फेसबुक में बहुत फॉलोअर है, या आपका यूट्यूब हो, या आपका दूसरा इंस्टाग्राम में आपका बहुत सारा फॉलोअर्स है, तो भी आप फॉलोअर्स को किसी का मदद के लिए बोल सकते हो कि ये आदमी का ये प्रॉब्लम है, आप जो भी मेरा सब्सक्राइबर हो या फॉलोअर हो, ये आदमी को आपका हिसाब से कुछ डोनेट कर सकते हो, तो भी आप किसी का मदद कर सकते हो। तो ये सोशल प्लेटफॉर्म और क्राउड फंडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लास्ट ईयर मैं एक देखा था एक वीडियो जो कि एयरलिफ्ट किया गया था एक आदमी को, और बहुत सारे फंडिंग क्राउड फंडिंग से बहुत पैसा वो जनरेट करके अपना मतलब फंड रेज करके अपना ट्रीटमेंट कराया था। तो ये अच्छा बात है, क्योंकि देखिए एक एक लाख लोग 10-10 रुपया भी देगा तो 10 लाख रुपया किसी के लिए आ जाएगा। 10 रुपया किसी के लिए बड़ा नहीं होता है, हम लोग दे सकते हैं, लेकिन दस एक तो ये एक पावर, दिस इज़ द पावर ऑफ सोशल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और पावर ऑफ दिस टाइप ऑफ ऐप्स, राइट। तो हम छोटा छोटा अमाउंट भी देंगे, लेकिन बहुत सारे लोग दे देंगे, ठीक है, 10 लाख लोग 10-10 रुपया देंगे तो भी 1 करोड़ रुपया बन जाएगा, तो उसके हेल्प हो जाएगा, ठीक है। इंडिया का पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो हम लोग कभी भी इस टाइप का ऑथेंटिक, क्योंकि अभी कुछ कुछ फेक भी हो रहा है, तो इस टाइप का कुछ ऑथेंटिक हमें कॉज मिले या ऑथेंटिक प्रॉब्लम हमें पता चले, तो डेफिनेटली हमें छोटा छोटा अमाउंट डोनेट कर देना चाहिए, जो कि एक लोग के लिए बहुत हेल्प होगा, और हमें हमारे आसपास किसी लोगों को ऐसे प्रॉब्लम है तो हम उनको हेल्प भी करना चाहिए इस टाइप का, जिसको पता नहीं है। एक गरीब आदमी, सपोज आपको ये पता है कि इस टाइप का फंड रेज किया जा सकता है, लेकिन आप सपोज आपका घर का कोई काम करता है, उसका बहुत ज़रूरत है, कुछ बड़ा बीमारी हो गया है या बड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है, आप जानते हो कि इसे रेज किया जा सकता है, लेकिन आप क्या करते हो, मतलब आपको ये पता चल गया कि कैसे करना है, तो वंस यू नो सो आप उसको मदद कर सकते हो, उसका प्रॉब्लम को आप हेल्प कर सकते हो, क्योंकि आप तो ज़्यादा डोनेट नहीं कर सकते हो। आप सपोज एक मिनिमम अमाउंट आपका कैपेबिलिटी के हिसाब से आप डोनेट किए, लेकिन आप ये आपके थ्रू पे आप उसका नीड को फुलफिल कर सकते हो। सपोज उसको 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपया चाहिए, तो आप सोशल प्लेटफॉर्म के थ्रू पे, ये ऐप्स के थ्रू पे आप फंड रेज करके उसको ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकते हो। और ये क्राउड फंडिंग का फ़ायदा जो मैं बोला कि बहुत लोग डोनेट करेंगे तो किसी को बर्डन भी नहीं होगा। एक आदमी को आप 3 लाख डोनेट करोगे तो एक बड़ा चीज़ हो जाएगा आपके लिए, आपका फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए एक बड़ा वो बड़ा बड़ा चीज़ हो सकता है। लेकिन हर आदमी 10-10 रुपया दे देगा 1 लाख लोग, तो 10 लाख रुपया कोई एक बड़ा चीज़ नहीं होता है। तो इसके लिए सोशल मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और सोशल प्लेटफॉर्म्स भी, ये ऐप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी को मदद करने के लिए, राइट। तो ये आई होप ये आपके थ्रू पे आप लोग भी थोड़ा एक बार जाइए और इसको जान के रखिए, कभी ना कभी आपको मदद में मतलब ज़रूरत आ सकता है, और इसके थ्रू पे आप दूसरों को हेल्प भी कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे और एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।